हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री बनते ही गरीब लोगों को मकान देने का फैसला किया। हर गरीब के सर के ऊपर छत हो, हर गरीब का अपना मकान हो, इसके लिए मोदी साहब ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, जिसके तहत लाखों गरीब लोगों के मकान बनाए गए। ऐसे लोग जिनके अपने मकान नहीं थे, जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी, ऐसे लोगों को मकान देने का काम, घर देने का काम मोदी साहब ने किया। और जम्मू कश्मीर में भी लाखों ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से फायदा हुआ जिनके पास अपने मकान नहीं थे। लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत गरीब हैं और गरीबी के सर्वे में उनका नाम भी है, लेकिन उनके पास एक मरला भी जमीन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और बहुत गरीब हैं और उनके पास जमीन नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जमीन देने का फैसला किया, ताकि वो गरीब लोग जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, उनका नाम गरीबी के सर्वे में तो है लेकिन जमीन ना होने की वजह से जो सरकार की स्कीम्स का फायदा उन लोगों को नहीं मिलता, इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया कि बिना जमीन के जो लोग हैं उनको सरकार जमीन देगी, ताकि उन लोगों को सरकार की सारी स्कीमों का फायदा मिल सके। और इसका ऐलान खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया है। ये फैसला जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बहुत बड़ा फैसला है। गरीबों के लिए ये फैसला लिया गया है, गरीब के सर के ऊपर छत हो, हर गरीब का अपना मकान हो, जो बिना मकान के है उसको सरकार की ओर से मकान दिया जाएगा, उसको सरकार की ओर से जमीन दी जाएगी। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे सियासी हुक्मरान जो जब खुद यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कभी लोगों का भला नहीं किया, महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या कुछ और लीडर हो, आज जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी करने की कोशिश हो रही है, लोगों को भड़काने की एक साजिश महबूबा मुफ्ती कर रही है। और ये षड्यंत्र कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को यहाँ मकान बना के दिए जाएंगे, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही हैं। उनको इस किस्म की जो गलत तरीके की सियासत से बचना चाहिए। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और जिनके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, जिन लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को अगर मोदी साहब ने फैसला किया है कि ऐसे गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे, ऐसे गरीब लोगों को छत दी जाएगी, ताकि वो भी इज्जत के साथ अपने मकान में, अपने घर में रह सकें, तो जम्मू कश्मीर के कुछ सियासतदानों को तकलीफ हो गई। जब ये सियासतदान खुद जम्मू कश्मीर में हुकूमत में थे, चीफ मिनिस्टर थे, मिनिस्टर थे, इन्होंने कभी गरीबों का भला किया नहीं, इन्होंने कभी ज़ईफों, दर्दमंदों, ज़रूरतमंद लोगों, परेशान लोगों की कभी यहाँ के हुक्मरानों ने मदद की नहीं। और आज जब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के लिए मसीहा बनकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ के कुछ सियासी रहनुमाओं को बड़ी तकलीफ हो रही है और वो लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम
ऐसे सियासतदानों को जानती है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने पिछले 40 बरस इन सियासतदानों की इश्तियाल अंगेजी से बहुत दुख तकलीफें यहाँ सही हैं। इन इश्तियाल अंगेजी करने वाले, भड़काऊ भाषण देने वाले, समाज में जहर घोलकर राजनीति करने वाले लोगों को चुनावों में जम्मू कश्मीर की जनता सबक सिखाएगी।